पैसा है, किसी पे टैलेंट नहीं है। सॉरी। दिल्ली और कलकत्ता। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा जो है सेकंड व्लॉग होने वाला है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं बता दूं, मैं कल जो है ऋषभ के साथ और मम्मी के साथ जाके जो है बुक्स ले आई थी। ऋषभ के लिए भी हम ले आए थे बुक्स 10th की, और मैं अपने लिए भी बुक लेके आ गई थी NCERT। तो ऋषभ के लाए थे हम, और मैं अपनी CUET के लिए एग्ज़ाम जो है उसके लिए बुक लेके आई हूँ। मैंने अभी जो कॉलेज एंट्रेंस है एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है। BLED कोर्स के लिए मैंने फॉर्म फिल करा है। BLED कोर्स जनरली जो है प्राइमरी जो टीचर्स होती है, एलिमेंट्री स्कूल की टीचर्स, उनके लिए जो होता है, और वो वाला कोर्स मैंने फिल करा है। उसके लिए मैं बुक लेके आ गई थी। और मैंने 4 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी और पोल और हिस्ट्री। पोल और हिस्ट्री तो मैं NCERT से करूँगी, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश मैंने उसके लिए बुक लेके मंगा ली है, वो आ जाएगी। और हिंदी जो है मैं बुक लेके आ गई थी कल मम्मी के साथ जाके, पर मेरी जो है बुक गलत आ गई है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेके आ गई थी, मुझे पता नहीं था। मैं जल्दी इतनी ज़्यादा भीड़ थी दुकान पे, मैं बता नहीं सकती। मतलब हमने 2 घंटे करीबन हो गए थे उस शॉप पे, एंड उसके बाद भी जो मैं बुक लेके आ गई हूँ गलत लेके आ गई हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट वाली लाई हूँ, अंडर ग्रेजुएट मुझे लानी है, और आज भी हम चेंज कराने जाएंगे बुक्स। और अभी जो है वो आज ऋषभ का 10th का फर्स्ट डे है स्कूल का, वो अभी आता होगा। अभी बज रहे हैं करीबन 1 बज रहे हैं, और अभी वो जो है वो 2 बजे आएगा। तो अभी 1 घंटा है उसको आने में, तो अभी उसको टाइम है। एंड इतने में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे अभी मम्मी की हेल्प करानी है, और अभी जो है मुझे पढ़ाई भी करनी है। CUET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट हूँ। बच्चों ने स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन, मैंने अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं करी है, थोड़ी थोड़ी करी है। बस सिलेबस देखा है, क्या कैसे कहाँ से करना है वो देखा है, पर अभी एकदम पर्टिकुलरली एकदम अच्छे से मैंने स्टार्ट नहीं करी है प्रिपरेशन। मुझे स्टार्ट करनी है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे क्या CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ऐसे व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे अब जल्दी जल्दी मिले करेंगे। मैं रेगुलर होने वाली हूँ यूट्यूब पे, मैं बता दूँ, एंड मैं इसको एज अ पैशन लेने वाली हूँ। मुझे वीडियोस बनाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे कैमरे से बातें करना। सब्सक्राइब कर देना अगर व्लॉग अच्छा लगे तो। अभी जो है मम्मी ने मशीन लगा रखी है, मैं दिखाती हूँ। तो ये रही मम्मा, वॉशिंग मशीन लगा रखी है मम्मी ने। अभी जो है मुझे कपड़े डालने जाना है ऊपर, मम्मी ने सारे कपड़े निकाल रखे हैं। तो है वो दाल बना रही है, और मैं दाल देख रही हूँ मम्मी कैसे बना रही है। तो मम्मी ने भी जो है तेल, जीरा और हींग डाल दी और लहसुन डाल दिया है। अभी मैं देख रही हूँ, मुझे आती है दाल बनानी। अभी जो है मैं कपड़े भी डाला ही हूँ, दाल भी बन गई है। अब बस मम्मी खाना जो है वो तैयार कर रही है, और ऋषभ भी जो है वो आ चुका है स्कूल से। ये रहा ऋषभ। तो ऋषभ कैसा गया 10th का फर्स्ट डे? अच्छा गया, काम भी पूरा कर लिया। तो स्कूल से आते ही बहुत ही भूख लगती है, तो मम्मी अभी रोटी बना रही हैं, और जो है करेले के आलू बने रखे हैं उसके साथ हम उसको खाएंगे। दाल बन चुकी है, दाल में मैंने भी हेल्प कर दी मम्मी को। मैं कपड़े भी डाल के आ चुकी हूँ, और अब जो है वो पढ़ना है मुझे CUET के लिए भी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा CUET के लिए पढ़ूंगी, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करूँगी, एंड ये सब होएगा। और खाना खाने में है रोटी और ये करेले के आलू और दाल, एंड ऋषभ भी खाना खा रहा है। तो मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं जो है वो पढ़ाई करने जा रही हूँ। और अब जो है वो 3 बज गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। अब मुझे CUET के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम होगा मई में। और अभी जो है वो ऋषभ सो रहा है। ये सुबह जो है इसने उठ के एक्सरसाइज करी थी, मैंने भी करी थी, तो ये थक चुका है। फिर स्कूल भी गया था, फिर स्कूल से आया है, तो मैं तो सो गई थी थोड़ा सा बाद में एक्सरसाइज करने के बाद। पर ऋषभ जो है वो नहीं सोया था, वो स्कूल चले गया था, स्कूल से आया था, इसलिए अब उसको नींद आ रही है, सो रहा है ये। जो है मैं CUET के लिए मैंने थोड़े एक आध क्वेश्चन, 2 पैसेज मैंने इसमें से करे हैं। अभी जो है मैंने थोड़ा पढ़ाई कर ली है, और ऋषभ जो है वो पढ़ रहा है। ऋषभ जनरली अपना काम कर रहा है 10th का, जो भी आज स्कूल गया था ना, स्कूल का फर्स्ट डे था इसका, तो अभी इसको होमवर्क मिला है, वो होमवर्क कर रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बार ये वाला जो CUET का एग्ज़ाम है ये हो जाए, तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे, एकदम फ्लो में व्लॉग्स आएंगे। थोड़ी सी अब देर हो गई है पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ी बातें हो जाए। लोग पूछते हैं मेरे पे क्या है टैलेंट, दिमाग, वो तो है नहीं, पैसा है, किसी पे टैलेंट नहीं है। सॉरी। पैसा है किसी पे, पैसा है तो टैलेंट नहीं है, टैलेंट है तो पैसा नहीं है।
और तेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, बस हौसला है काम करने का। जुनून है, जुनून है, जुनून, जुनून इसी जुनून से ही टेंथ में आ गया है। इसी जुनून से ही जुनून सीरियल में जाएगा। पापा जो है वो टीवी भी देख रहे हैं मैच, तो वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे। मुझे मैच ना एकदम लास्ट में जब थोड़ी सी बॉल्स रह जाती है ना, तभी देखना पसंद है। पापा जो है वो मैच देख रहे हैं। किसके बीच हो रहा है मैच आज का? दिल्ली और कलकत्ता। तो मम्मी जो है वो अब खाना बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो? गोभी आलू मटर। अब बस मम्मी खाना बना रही है, फिर हम खाना खाएंगे। और मम्मी खाना नहीं है, एक रोटी है और दाल और आलू गोभी की सब्जी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ऐसे ब्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर अच्छा लगता है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना एंड लाइक कर देना।